अस्सलाम वालेकुम बच्चों बच्चों क्लास सेवन्थ है, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर वन नेम है सेट्स। टॉपिक का नेम यहाँ पे एक्सरसाइज 1.5 है और उसका क्वेश्चन नंबर वन है और उसका पार्ट नंबर फाइव है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर वन की स्टेटमेंट मैं दोबारा रीड कर रहा हूँ। मैंने जितनी दफ़ा भी इसके पार्ट्स करवाए हैं 1, 2, 3, 4, मैंने हर दफ़ा ये जो स्टेटमेंट है मैंने रीड की है। ठीक है, तो मैं फिर दोबारा इसको रीड कर रहा हूँ। शेड, ये जो लिखा हुआ है, शेड द डायग्राम्स अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑपरेशंस। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दी हुई हैं, उनको हमने ऑपरेशंस के रिलेट, ऑपरेशंस को मद्देनज़र रखते हुए उनको हमने शेड करना है। ऑपरेशंस किन को बोलते हैं बच्चों? ये जो यूनियन, तुकाते, ठीक है, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये जो हम पढ़ते हैं ना, इनको हम ऑपरेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों पार्ट नंबर फाइव है, जो ये क्या दिया हुआ है कि ये हमने ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी हमने जो है उसको हमने बच्चों क्या करना है, शेड करना है। और कौन से सेट्स के लिए करना है बच्चों? ओवरलैपिंग सेट्स के लिए करना है। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट्स के लिए। तो सबसे पहली बात तो बच्चों ये है कि ओवरलैपिंग सेट्स वो होते हैं जिनमें कोई ना कोई चीज़ कॉमन होती है। ठीक है, जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा ही होगा, ज़रूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं मिसाल ले लूँ कि एक सेट में 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं और एक और सेट है हमारे पास, उसमें हैं 3, 4 और 5 एलिमेंट्स। ठीक है, 3, 4 और 5, तो 3, 4 और 5 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में मौजूद हैं। ठीक है, तो ऐसे सेट्स को हम बोलेंगे ओवरलैपिंग सेट्स बच्चों। ठीक है, ये हमने पहले भी डेफिनेशन की हुई है, कई दफ़ा मैंने आपको बताया हुआ। तो यहाँ पे ये जो पार्ट दिया हुआ है, इसमें दो सेट दिए हुए हैं, एक ये सेट है ए और एक ये जो सेट है बी दिया हुआ है। ठीक है, और ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप बच्चों क्या कर रहे हैं, ये देखें, यहाँ पर ये जो रीजन है, यहाँ पर ये ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस रीजन को हम, इस रीजन की वजह से, इस हिस्से की वजह से इनको हम, इन दोनों सेट्स को बोल देंगे ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक है, तो अब जो आंसर हमारे पास आएगा बच्चों, जो आंसर आएगा उसको हमने शेड कर देना है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग सेट्स में जो चीज़ कॉमन होती है ना, जो हिस्सा कॉमन होता है, ठीक है, वो हमने क्या कर देना है, ठीक है, वो हमने शेड कर देना है। ठीक है, इंटरसेक्शन भी हम ले रहे हैं ना, इंटरसेक्शन में भी यही होगा कि जो चीज़ कॉमन है उसको हमने शेड कर देना है। ठीक है, तो ये बच्चों चीज़ कॉमन थी, इसका सोल्यूशन मैंने लिया, सोल्यूशन ये था कि ये कॉमन थी, इसको मैंने शेड कर दिया ब्लैक कलर से। ठीक है, और ये बच्चों, ये जो है, ये जो सेट है, ये है हमारे पास ए सेट। ठीक है, ये ए है और ये जो है इसको हम बी बोल देंगे। ठीक है, इसको हम बी बोल देंगे, ये सेट ए है और ये बी है। ठीक है, तो अब मैं आपको बुक से इसका पेज नंबर बताता हूँ। ये देखें, ये पेज नंबर है, पेज नंबर 23, ये लास्ट में दिया हुआ है एंड पे। और इसका जो पार्ट हमने किया है बच्चों, वो ये किया है पार्ट नंबर 5। ठीक है, ये वाला। ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़।